यहाँ मिला भाई सरप्राइज। गैरी भैया क्या हाल है? क्या हाल है भैया? बढ़िया। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत तोमर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोमर तोमर पे। तो अभी रोमर तोमर अपने बहुत ही खास और जिगरी यार के साथ निकल गया कहीं घूमने फिरने। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाना है किधर नहीं जाना है, घर पे था मैं, मेरे पास फोन आया मेरे भाई हर्ष का। हर्ष क्या हाल है? हाय गाइस, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई का फोन आता है 6:30 बजे मेरे पास, भाई घूमने का मन कर रहा है। मैंने कहा कहाँ चलना है? कह रहा कहीं भी चल पड़ेंगे। तो अभी हम कहीं भी निकल गए, अभी कुछ नहीं पता कहाँ जाना है किधर जाना है, बस अभी हम निकल पड़े हैं NH 44 पे। तो अभी भाई दोनों चंडीगढ़ में हैं, समझ आ गया हमें अब चंडीगढ़ से कहाँ जाना है, इसलिए गाड़ी में पेट्रोल फुल करा रहे हैं और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोड़ हैं और ये भाई साहब इतने भयानक मोड़ों से इतनी खड़ी चढ़ाई से स्विफ्ट गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हुए मिस्टर रोमर तोमर आपके सामने पेश हैं। ये ऊ करने का क्या मतलब था? ऊ दिखा दी ना, आप करनाल से आए हो भैया, आप भी तो करनाल से आए हैं, लेकिन हम ऊ ऊ नहीं करते। आप क्या करते हो? हम कुछ भी नहीं करते। आप करते हो? अब बताएं किसके आगे है भैया, बता देंगे सब? नहीं सब बता दीजिएगा का, सारा नहीं बता दीजिएगा। बंदे की घुसने की जगह नहीं है और यहाँ पर इस बंदे ने गाड़ी घुसाई है। तोमर उठ जा भाई। उठ गया भाई? उठ गया, दिख नहीं रहा भाई, आत्मा बोल रही है क्या देवी? उठ जा भाई। उठ गया भाई, बस 2 मिनट में। वेलकम बैक गाइस, और आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक हम बहुत ही नई जगह पे आ चुके हैं। और देखिए कितनी सुंदर जगह है यार, कितनी सुंदर जगह। तो अभी हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज। कल हर्ष भाई के साथ आते आते हमारा प्लान बन गया कि एक छोटा मोटा कोई ट्रैक करते हैं, और वैसे भी मैं घर से जब चला था टेंट वगैरह सब अपने साथ लेके चला था, तो कल हम एक छोटा सा ट्रैक करने वाले हैं और आज निकलते हैं मैक्लो घूमने। अभी हम अपने जहाँ पे हमने स्टे किया था होटल से वहाँ से निकले हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। तो भाई जब कुछ खा पी लेंगे तभी थोड़ा सा घूमने का जोश आएगा। भाई अब पहुँचे हैं कैफे में, अभी कुछ ऑर्डर किया अभी खाना। कैफे का नाम तो पता नहीं, मैकल पालो लालो पता नहीं, ये है भाई ये मैकल लालो। पनीर अल्टीमेट है यहाँ का, जो ये पनीर है ना, दिखा दे एक बार भाइयों को पनीर, एक नंबर। वाह यार, दिल भी ऐसा ही देंगे हम लोग। जाए भाई सब, चलो उनका बिल भी आ गया, रोटी दे दो यार। ये देख रहे हो भूख की हड़बड़ाहट कैसी होती है, इस बंदे से पूछो भूख की वैल्यू कैसे हड़बड़ा रखा है भैया। अभी के 10 मिनट लगेंगे भैया। तो भाई इसलिए कहते हैं रोटी बहुत जरूरी होती है, बंदा इस टाइम पूरा पागल हो रखा है बिना रोटी के। तो भाई खाना तो अपना पहुंच गया, तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं खाना खाने से पहले अपने हर्ष शर्मा जी। तो ये जो सामने रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मैक्लो, अभी हमने यहाँ पे खाना खाया है और नो डाउट बहुत ही स्वाद खाना था। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था इस वजह से, वैसे ही कुछ भी खिला देता बंदा तो अच्छा ही लगता है। एक बाकी भाई हर्ष भाई कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया खाना था भाई, भी बढ़िया जेन्युइन। इस पे आना मैक्लो लो पे खाना खाने भाई, जरूर आना। तो अभी हम पहुंच गए मैक्लोडगंज से धर्मशाला और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर इंडियन क्रिकेट स्टेडियम, सॉरी नॉट इंडियन, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम।
और ये अभी सामने ग्राउंड की मेंटेनेंस का काम चल रहा है जो मेरे हिसाब से यहाँ 12 महीने चलता ही होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का भाई स्टेडियम है। बाकी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है, ये पानी के सामने स्प्रिंकल देख के ना नहाने का मन कर रहा है यार। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है धर्मशाला के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जिसे HSPA ने बनाया, हिमाचल स्पोर्ट्स। तो ये जो स्टेडियम है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम माना जाता है और इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 23,000 लोगों की है, यानी कि एक बारी में 23,000 लोग मैच दे सकते हैं। और नो डाउट ये स्टेडियम बहुत ही सुंदर है और ये बात कहने की जरूरत नहीं, आपको दिख ही जाएगा पीछे। बाकी टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक चीज़ बड़ी जेन्युइनली इसमें मैं बताना चाहूँगा जो मुझे लगा कि यहाँ की जो बाउंड्री है यार बड़ी छोटी लगी मेरे को एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेडियम, बट जो ग्राउंड की ब्यूटी है ना वो कोई कंपैरिजन नहीं है इसका किसी भी स्टेडियम से। और बाकी जो स्टेडियम में आके घूमने फिरने की टिकट है वो है 30 रुपये, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर जब मैच हो तो कम से कम 300 रुपये की टिकट होती है। अभी इसने भाई ने बताया। कौन से भाई? तूने तो बताया था। मेरी सारी बातें ना माना कर भाई, अभी तो बर्बाद हो गया हूँ मैं। और कसम से ये स्टेडियम वाले इतने ख़राब है ना, जिस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा धूप आ रही है सिर्फ वही पोर्शन ही इन्होंने खोला हुआ है देखने के लिए, सिर्फ यहाँ पे बंदे आके देख सकते हैं ये जो ये पोर्शन है, बाकी ये छांव वाले पोर्शन में हमें कोई घुसने नहीं दे रहा। तभी हम कोने में छुपे हुए हैं कि छांव पड़े। भाई टापियो मत। नहीं भाई, नहीं नहीं, रुक जा भाई, प्लीज छोड़ दे मेरे को। नहीं यार भाई प्लीज, भाई नहीं है, भाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा हूं। भाई लोग कति बावड़े हो रखे हैं, दोपहर के 3 बजे आगे भी ना यहाँ पे फोटो खिंचवाई जा रही है। तो अभी हम तो स्टेडियम से बाहर आ गए हैं बट स्टेडियम के बाहर अब भी काफ़ी भीड़ है जो लोग देखने के लिए जा रहे हैं स्टेडियम। तो भाई यही है जो इंडिया के लोग हैं ना क्रिकेट के लिए जो क्रेज़ है कि दोपहर के 3 बजे भी आके लोग यहाँ पे भाई स्टेडियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। अफगानी बन के घूम रहा है भाई। हेलो कौन है तू? हर्षी है ना? बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो भी ये लोकल मार्केट है, क्या हाल है? मैक्लोडगंज की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए मोनेस्ट्री, तब से भाई को लग रहा है कि हम मोर्चरी में जा रहे हैं पर उसको पता नहीं है कि हम मोनेस्ट्री में जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम कर करके ना परेशान हो चुका हूँ, तभी मेरे ये हमारे डॉक्टर हर्ष हैं। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मोर्चरी, सबसे पहले इनके दिमाग का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। और अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे मॉन्क्स देखे हैं तो थोड़ा सा बुद्धिस्ट कल्चर देखने के लिए हम मोनेस्ट्री में जा रहे हैं। तो शायद ये रास्ता है मोनेस्ट्री के लिए, पता नहीं यार, बड़ी भूल भुलैया सी जगह है, देखते हैं। कहानी खर खर की है। आपको लेके चलते हैं। टिंग 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 टिंग। और ये अब खाना खा के पूरा चार्ज हो गया, अभी सारा दिन ऐसे ही करता रहेगा। इनको कहते हैं मनी चक्र, और कहते ये हैं कि भाई इनको घुमाने से जो इनके जो प्रेयर्स लिखी होती हैं वो स्प्रेड होती हैं और उनसे पॉजिटिविटी आती है, ये बुद्धिस्ट कल्चर कहता है। भाई को यहाँ पसंद आ गया एक पजामा जो कि यहाँ का मतलब ट्रेडिशनल पजामा है, और कह रहा है लेके जाऊँगा घर, मान ही नहीं रहा, 50 दुकानों पे घुमा लिया पर कह रहा है लेके जाऊँगा। हर्ष भाई और कितनी दुकानों पे चलना है? 4-5 और होगी आगे। लेके जाएंगे भाई यार? तो लेके जाना भाई, अल्लाह दीन लग रहा है भाई इसमें तो। फाइनली अपने भाई महाराजा हर्ष को एक लोअर पसंद आ गया, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसा है। और लोवर दिखा भाई। नमस्ते थोड़ा।
तो अभी हम जा रहे हैं भक्सू वाटरफॉल। तो वैसे तो यार भक्सू वाटरफॉल जा रहे हैं भक्सू। तो यार वैसे तो हम पैदल अपने शहर में घूमते रहते हैं गाड़ी बाइक पे। अब थोड़ा घूमने फिरने आए तो थोड़ा पैदल भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि चीज़ों को देखने का जो टाइम है वो तसल्ली से मिल जाए। तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर है मोनेस्ट्री से भक्सू वाटरफॉल। लेट्स गो। और ये हमारे हर्ष भाई में उस पर राज की आत्मा आ गया। भाई साहब आपके पैसे गिरिए भाई साहब, रुकेगा नहीं छा। और ये सामने है भक्सू वाटरफॉल। Here we are at Bhaksu Waterfall at McLeodganj. यार बहुत ही पीसफुल जगह है ये, मतलब यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बैठ के सामने झरना बह रहा है और यहाँ पे खाने पीने का सब सामान अवेलेबल है। तो इस टाइम शाम के बजे हुए हैं 6:30 और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एकदम नेचुरल हवा चल रही है, ठंडा पानी साथ में बह रहा है, ऑसम। तो अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं शिवा कैफे की तरफ। भक्सू वाटरफॉल से थोड़ी ऊपर हाइट पे है शिवा कैफे, अभी वहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो मैंने तोश वाले व्लॉग में बोला था कि दुनिया बहुत ही छोटी है। देख लो आज हम खड़े हैं मैक्लोडगंज में, मेरे साथ मेरा भाई पढ़ता था, आज वो हमें यहाँ मिला। भाई सरप्राइज, गैरी भैया क्या हाल है? क्या हाल है भैया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भाई लोग भी आ रखे हैं गैरी भैया के साथ। ये मेरा भाई आकाश। तो भाई कुछ नहीं पता, कोई भी कभी भी भाई सरप्राइज कहीं भी मिल सकता है यार, सबसे प्रेम प्यार तो चलता ही रहना चाहिए। तो अभी शिवा कैफे घूम के आए, बाकी जितनी शिवा कैफे की हाइप बना रखी थी ऐसा कुछ खास लगा नहीं। तो अभी वी आर एक्सप्लोरिंग दिस लोकल मार्केट। बाकी लोकल मार्केट हर जगह की घूमने का अलग ही मज़ा होता है। बाकी हम ये कर रहे हैं ना, एक बंदे ने अपने बेचने के चक्कर में करा, एक बार टेस्ट कर लो भाई। उसने इतनी मतलब घर से सारी मिर्ची उसमें ही डाल रखी थी, कह रहा मोमो खा लो। यहाँ के मैंने सुना मोमो बहुत फेमस है, बट जिस हिसाब से मोमो खाया मैं सोच रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक पानी चीनी सब खाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आगे की कहानी तुम्हारे को मार्केट दिखाते हैं। अभी ये देखो, तो यहाँ की लोकल मार्केट है। हम दोबारा निकले हैं अब थर्ड विजिट पे रात के टाइम, देखने के लिए कि बाहर का यहाँ का रात को क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे साथ है इस चैनल के मुखिया मिस्टर रोमर तोमर। हाँ जी रोमर जी, ये बताइए अब इस टाइम आप निकले हैं मुझे दुखी करने के लिए। आप घूमने आए हो तो फिर घूमो ना, बेड पे क्या करोगे पढ़ के, सारी उम्र पढ़ने ही है बेड पे। पढ़ना व्हाट द लैंग फक पढ़ना है कुछ नहीं। और ये आई थिंक यहाँ की मेन लोकेशन है, और यहाँ पे मतलब जो भीड़ भड़ाका है ना, और जो यहाँ पे मतलब एम्बियंस है
नेक्स्ट लेवल यार, मजे ही आ रहे हैं। ब्राउनी चॉकलेट गरम करके। तो यार आज काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है मैक्लोडगंज में, यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लिया है, मोनेस्ट्री कर ली है और धर्मशाला स्टेडियम कर लिया एक्सप्लोर और शिवा कैफ़े को कर लिया है, बागसू वाटरफॉल को कर लिया। तो ओवरऑल डिसेंट एक्सपीरियंस रहा मैक्लोडगंज का। और बाकी अब मिलते हैं कल जब आपको त्रिउंड के एडवेंचर पर लेके जाएंगे। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड, एंड वेरी गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।